हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, अभी अभी आप सभी के लिए तीन चार अपडेट्स जो है मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स ये रहने वाली हैं। HPU की भी तरफ से भी अपडेट है और जी और नीट से रिलेटेड भी एक अपडेट है। और चलिए, दो तीन अपडेट चार अपडेट आपको यहाँ पर बताऊँगा। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर डायरेक्ट मैं दिखाऊँगा। तो आज की ही अपडेट रहने वाली हैं, जितनी भी अपडेट्स यहाँ पे बताऊंगा तो आज की ही अपडेट्स यहाँ पर वो रहेंगी। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं कोरोना की अपडेट जो शाम 5 बजे वाले होती है। ठीक है, तो दोस्तों यह है स्टेटस एट 5 PM 27th of August 2020। तो 27 अगस्त की अपडेट है शाम 5 बजे वाली। 5410 पर्सन पॉजिटिव हो चुके हैं COVID-19 से अभी तक के। और हम एक्टिव केसेस की दोस्तों बात करें कि एक्टिव केसेस कितने हैं, तो एक्टिव केसेस हैं 1453, माइग्रेटेड हैं 42, रिकवर्ड यानी कि जो ठीक हो चुके हैं वो है 3883, डेथ है 30 की। तो 5410 में ही एक्टिव भी आएंगे, माइग्रेटेड भी आएंगे और रिकवर्ड भी आएंगे और डेथ वाले भी आएंगे। ठीक है, और कहाँ पे कितने केसेस आए किस डिस्ट्रिक्ट में वो भी आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों, 4 केसेस कांगड़ा में आए हैं, 1 केस लाहौल स्पीति में आया है, 3 केस मंडी में आए हैं, 1 केस शिमला में आया है, 36 नए केस सिरमौर में आए हैं। टोटल कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में जो है 45 नए केस आए हैं। ठीक, कहाँ पे कितने हुए हैं, 7 चंबा में ठीक हुए हैं, 2% कांगड़ा में, 9% सिरमौर में, टोटल कुल मिला के 18% जो हैं इस रिपोर्ट में ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या है 1453 और टोटल कन्फर्म केसेस हैं 5410, दिन में से एक्टिव भी आएंगे, ठीक हो चुके हैं वो भी आएंगे, डेथ वाले भी आएंगे और माइग्रेट जो हो चुके हैं वो भी आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो है जो 3 नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे बता देता हूँ जो आज आए हैं। तो पहले एक और, हाँ, आपको जी और नीट की एक अपडेट तो बतानी थी। तो दोस्तों, उसमें क्या है कि वहाँ पर अभी तक जो है 17 लाख एडमिट कार्ड जो हैं डाउनलोड हो चुके हैं नीट और जेई का जो एग्ज़ाम है उनके। ठीक है, और उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डाउनलोड किए हैं वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तभी उन्होंने डाउनलोड किए हैं। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी। 17 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं वो एडमिट कार्ड, 17 लाख बच्चों ने वो एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड किए हैं। ठीक है, तो वो जेई और नीट की अपडेट थी। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट क्या है। तो ये रही, तो दोस्तों इस यूनिवर्सिटी ने हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने जो है यहाँ पर, ये आज की दोस्तों अपडेट है। ठीक है, डेट यहाँ पे कल की है बट अपडेट आज की है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ BBSC एंड AH एंड BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन 10/10/2020। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिमेन इन टच विद द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो कब होगा, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि ये जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा BBSC एंड AH एंड BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स के लिए वो होगा 10/10/2020, यानी कि 10 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से एक अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट जल्द से देख लेते हैं, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, तो ये रही आपकी HPU की तरफ से अपडेट। तो यहाँ पे दोस्तों ये MBA का सिलेबस यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, तो इनका इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है क्या क्या सिलेबस है। तो इसका भी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये भी HPU की तरफ से अगली अपडेट रहने वाली है। तो चलिए जब तक ये ओपन होता है, चलिए ओपन हो गया दोस्तों। दोस्तों ये जो है MA सेकेंड सेमेस्टर की असाइनमेंट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, 2019-20 का ये सेशन रहने वाला है, जुलाई 2019-20 का, और सेकेंड सेमेस्टर है, MA सेकेंड सेमेस्टर की असाइनमेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसका भी PDF मेरे आपको जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड इसको कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी अभी की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।